अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी यमी आलू गोभी की सब्जी, और बहुत ही यमी सी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेडी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत ही यमी सी रेसिपी है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि इस रेसिपी को रेडी करने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने ले ली 1 मीडियम साइज अनियन, जूलियन कट कर लिया। 2 मीडियम साइज टमाटोज ले लिए मैंने, उसको भी मैंने अच्छे से कट कर लिया। 14 to 15 मैंने ग्रीन चिलीज ले ली। 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन ले लिया। 1/2 टीस्पून मैंने टर्मिक पाउडर ले लिया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ले ली, और 3 से 4 अदद मैंने पटाटोज ले लिए। और पटाटोज ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे फेवरेट होते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर ले लिया, अच्छे से कट कर लिया। 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट फ्रेश लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि ये रेसिपी कैसे रेडी होगी। यहाँ पे मैंने ऑयल को हॉट करा, ऑयल उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्यूमिन। क्यूमिन को अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे, गार्निश ब्राउनिश सा हो जाइए, तब तक हमने इसको अच्छे से करना है। एक अरोमा आ जाए इसके अंदर, तब तक हम इसको करेंगे अच्छे से। बस मैंने इसको करना है, जब तक हम कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक ब्राउनिश सा कलर आ जाए। यहाँ पे ब्राउनिश सा कलर आ चुका है। जो हमारी अनियन थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है, जूलियन कट अनियन थी मेरी। और अब मैं इसको क्या करूँगी, अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे हम इसको फ्राई कर रहे, सारी जो है हमारी अनियन उसको मैं सारी फ्राई कर लूंगी। इसको हम क्या करेंगे, अदगली करेंगे, लाइट गोल्डन जो होती है अदगली करी हमने, ज़्यादा नहीं करी। उसके बाद हमने ऐड कर दिए अपने पटाटोज जो थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए पटाटोज को। अच्छे से हम पटाटोज के साथ इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा से पटाटोज पे जो है कलर आ जाए, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अनियन को हमने अदगला रखा, ब्राउन नहीं किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट, टर्मिक पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, ये जो हमारे स्पाइसेस थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। चिल्ली फ्लेक्स, टर्मिक पाउडर और सॉल्ट, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्राई हो रही है, अरोमा बहुत अच्छा सा आ रहा है, क्योंकि स्पाइसेस डलते ही बहुत अच्छा सा आ गया। यहाँ पे मैंने फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया, क्योंकि फ्रेश चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो जिंजर एंड गार्लिक की जो बाउल थी उसी के अंदर थोड़ा सा मैंने वाटर डाला, ताकि हमारे मसाले जो है जले नहीं, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटोज, ग्रीन चिल्लीज, और अच्छा सा हम इसको भी फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटोज हैं वो अच्छे से हो जाएं। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया, 1 गिलास जो था हमारा पानी। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे टमाटोज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने इसको ढक दिया था, ढक देंगे ताकि ये स्लो आंच पे, मीडियम आंच पे हम इसको ढक देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारे हो रहे हैं। अब मैंने क्या कर दी है, इसकी तेज आंच कर दी है, मीडियम आंच जो है तेज कर दी। अब हम इसको चला लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटोज जो है हमारे थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। हम इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करनी है, और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे टमाटर्स वगैरह जो है, टमाटोज वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, भुनने पर आ रहे हैं। और सब्जी को आप लोगों ने ज़्यादातर भूनना नहीं होता है, इसके मसालों को नहीं भूनना होता है, क्योंकि कड़वी हो जाती है, काली हो जाती है। तो इसलिए हम सब्जी को ज़्यादा, कोई सी भी सब्जी हो उसको हम ज़्यादा भूनते नहीं हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारे ये हो रहे हैं। यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है, अच्छा से मैं इसको भून लूँगी, ताकि एक रोगन वगैरह जो है हमारा अच्छा से इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं वापस ढक दूंगी, ताकि जो हमारा आलू भी गल जाए और टमाटर वगैरह भी गल जाए अच्छे से। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ढक दिया था 3 to 5 मिनट तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे टमाटर वगैरह जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। बस मैंने क्या करना है, अच्छे से हम चलाते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हमारे आलू जो है गल गए हैं या नहीं, आलू को गलाना है, तो इसीलिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आलू हमारे गल गए थे, इसीलिए मैंने इसके अंदर जो हमारी कॉलीफ्लावर थी, गोभी, अच्छे से मैंने इसको वॉश करा गोभी को, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। वॉश करके मैंने काट लिए थे, जो इसके फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो मैंने ले लिए थे, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको मैंने अच्छे से काट लिया था। अब मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे आलू जो थे वो अच्छे से हो चुके थे, गल चुके थे, मैंने ये ऐड कर देना है। गोभी ऐड कर दी हमने,
मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि हमारी गोभी में भी अच्छे से मसालों का टेस्ट आ जाए। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये गोभी हमारी हो जाए, और मैंने आधा ढक्कन ढका है, ज्यादा नहीं ढका। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है, क्योंकि हमारे जो टमाटर वगैरह थे वो काफी अच्छे से हो गए थे। और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, और जो चिल्ली फ्लेक्स हैं वो भी जैसा आपके यहाँ आ जाता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा अरोमा आ रहा है, और बहुत जबरदस्त ही हमारी ये कॉलीफ्लावर की जो सब्जी है, कॉलीफ्लावर पोटैटो की सब्जी, बहुत ही यमी सी हो रही है। ऊपर से हमने यहाँ पे हरा धनिया गार्निश कर दिया हरा धनिया से, तो कलर आप देखिए कितना मजे का आ रहा है इसको। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करनी है, और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, क्या रेसिपी देखनी है, क्या वीडियो देखनी है, तो जल्दी से जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द सिखाऊंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कलर आ रहा है, ग्रीन येलो, बहुत जबरदस्त सा कलर आ रहा है, और अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है इसके ऊपर। अब मैंने इसकी तेज आंच कर दी ताकि हमारे जो रोगन है अच्छे से ये भुन भी जाए हमारी सब्जी, और इसका जो रोगन है वो अलग भी हो जाए, तब इसीलिए हमने तेज आंच कर दी है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसको अरोमा आ रहा है, और इस रेसिपी को आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है, और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा तेज आंच पे मैंने इसको भूनना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से भुन भी जाए और इसके ऊपर रोगन भी अच्छा सा आ जाए। तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है, और मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं ढक दूंगी ताकि ये हमारा अच्छा से दम आ जाए इसके ऊपर, और रोगन भी अच्छे से आ जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर रोगन कितना जबरदस्त आ चुका है, कलर देखिए सब्जी का बिल्कुल बहुत मजे की सब्जी लग रही है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करनी है, और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है, मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं, या आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या देखनी है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी जबरदस्ती ये दम हो चुका है, इसको रोगन भी आ चुका है, अच्छे से भुन चुकी है ये सब्जी। बस अब मैंने क्या करना है, इसे डिश आउट कर लेना है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बस मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और सब्जी का कलर वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त आया, और बहुत ही मजे की ये सब्जी बनी थी। सो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।